रश्मि गार्गी आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इनको देखिए, ये जो लड़खड़ा कर चल रही हैं, ये और कोई नहीं बल्कि अरबाज की नई नबेली दुल्हन सुरा खान है। दोनों कपल सुरा और अरबाज जैसे ही डिनर डेट के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो कैमरों की नजरों से बच नहीं पाए और टल्ली दुल्हनिया कैमरों में ऐसी कैप्चर हुई कि ट्रॉल हो गई। अरबाज और सुरा खान की शादी को अभी महज 15 दिन ही हुए हैं और देखिए नई दुल्हनिया के रंग ढंग। अभी पिछले साल 24 दिसंबर को अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट सुरा के साथ निकाह किया। इसके बाद दोनों हनीमून पर निकल गए। हनीमून से लौटने के बाद भी अभी भी दोनों हनीमून फेज पे ही हैं। तभी तो देखिए, मुंबई लौटते ही अरबाज सुरा को एक रोमांटिक डेट पर ले गए जहां पर दोनों ने जमकर खाया पिया। वैसे सुरा की चाल को देखकर लग रहा है कि सुरा ने खाया कम पिया ज्यादा। कपल ने टी शर्ट ट्विनिंग करके पहना हुआ था, जहां अरबाज ने इसके साथ ब्लैक कलर का ट्राउजर पहनकर अपने लुक को कम्प्लीट किया, वहीं सुरा ने स्टॉकिंग्स और बूट्स के साथ किया अपने लुक को कम्प्लीट। वैसे लुक पर तो हमारा ध्यान इतना गया नहीं जितना कि अरबाज खान पर, क्योंकि पूरे टाइम अरबाज अपनी सुरा का हाथ थामे उन्हें संभालते नजर आए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये तो वीडियो बता रही है कि सुरा बाहर निकलते ही लड़खड़ाने लगी। जी हाँ, बॉलीवुड का ये न्यूली वेड कपल हर कहीं लाइमलाइट बटोर रहा है। जहाँ भी ये दिख जाए पैप्स इनको तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। तो इस बार भी यही हुआ, पर टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई। इस बार जब मीडिया ने सुरा और अरबाज का पीछा किया तो सुरा थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक थी। ये तो उनकी चाल से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन मीडिया को देख सुरा की हंसी क्यों छूट गई ये कुछ समझ नहीं आया। वो हाथों से अपना चेहरा बार बार छिपा रही थी। अरबाज भी अपने बीवी को इस तरह देखकर हंस पड़े। ना जाने क्या चीज थी जिसको छिपा रही थी। आपको बता दें, जहां अरबाज पैप्स को पोजेस देते दिख रहे हैं, वहीं सुरा तो ब्लश करती जा रही हैं। अब अरबाज खान के 15 साल छोटी बेगम को देखकर और इस अंदाज में देखकर कमेंटों की बौछार सी हो रही है। कोई कह रहा है सलमान खान की भाभी तो टल्ली हो गई, कोई कह रहा है ये तो बेटी लग रही है, इससे अच्छी तो मलाइका अरबाज की जोड़ी थी। वहीं कुछ का कहना है कि ये बहू तो और भी ज्यादा मॉडर्न निकली। वेल दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।